क्योंकि ठंड के दिनों में आग सेकने का मजा ही कुछ है, कुछ और ही है। कैसे? तो है भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग यार। तो दोस्तों, आज हमारे घर धान मिंजाई करेंगे, तो ये बंदे लोग आए हैं, यहाँ पर धान उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उस साइड में मैदान है, वहां पर थ्रेसर आएगा, तो थ्रेसर से मिंजाई करेंगे। और अभी शुरुआत है, मतलब अभी शुरू किए हैं और अभी बाकी नहीं हुआ है धान, तो उसको भी कटाई करके एक साथ मिंजाई करेंगे। ऐसी कर रहे हैं हम, साइड में मतलब साइड में खेत है, साइड में मैदान है, तो यहाँ से निकाल के वहां पर मैदान में मिंजाई करते हैं, उसके बाद वहां से बोरा में भर के घर ले जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बाद में यार, अभी घर जाएंगे, थोड़ा सा इन लोगों के लिए पानी व्यवस्था करना है, पानी पियेंगे बोल रहे हैं, तो इन लोगों के लिए पानी लेके आऊंगा, फिर बाद में धान को निकालने के बाद मिंजाई करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों मिंजाई करते टाइम, तो चलो। हाँ, तो भाई लोग धान को बांध कर कम्प्लीट कर लिए हैं, अभी भाई लोग सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से जस्ट थोड़े से दूर में वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर मिंजाई करेंगे उधर। अब आप लोगों को उधर तस्वीर भी दिखाता हूँ, पूरा कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर, यहाँ से धीमा भी लगूंगा, तो उतना टाइम तक मैं नहीं लगा था, बांधने तो नहीं आता मेरे को, सप्लाई तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ गए हैं, जस्ट इधर रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये ट्रैक्टर भी आ गया, थ्रेसर, इससे मिंजाई करेंगे कुछ देर बाद। अभी वो ट्रैक्टर वाला खाना खाने के लिए गया है, भूख लगा था बोल रहा है, तो जस्ट यहाँ पर फटाफट ला रहे हैं, तो चलो मैं भी लाता हूँ। हाँ, तो भाई लोग ऐसा वाला रस्सी हम 100 पीस लाए थे, और लगभग यहाँ पर 30 पीस है, और लगभग मतलब 70 के आसपास बंडल बना है, ये वाला धान का बंडल। तो अभी इसको ला रहे हैं, वो देखो आप उधर से ला रहे हैं, यहाँ पर ला के रख रहे हैं, तो कुछ देर बाद मिंजाई करेंगे, तो उसको भी दिखाऊंगा। हाँ, तो भाई लोग मिंजाई चालू हो गया है यार, आप लोग देख रहे हो, इधर हम लोग इसके साथ धान पैक कर रहे हैं, इधर पैक कर लिए हैं बाकी, और बाकी इधर से डाल रहे हैं धान को यहाँ पर, उसके बाद इधर निकल रहा है, उसके यहाँ से पैक कर रहे हैं, कुछ देर बाद यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से घर जाएंगे। वैसे नहाया नहीं हूँ, जाके नहाना भी है दोस्तों। हाँ, तो भाई लोग मिंजाई कंप्लीट हो गया यार, थ्रेसर वाला तो घर चला गया, अब इधर पेरा है और ये है धान, इतना हुआ है। अब इसको स्कूटी में घर सप्लाई करूंगा, बाकी सिलाई कर रहे हैं उसका, मुंह बंद कर रहे हैं मतलब बोरा का, तो चलो घर चलते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं धान को। हाँ, तो भाई लोग धान यहाँ पर सप्लाई करके कम्प्लीट कर लिया हूँ, अब इसको अंदर डालेंगे, बंदे लोग आएंगे फिर वहां पर साइड में अंदर डाल देंगे कुछ देर बाद। वो जो दिख रही ना राजगद्दी, वहां पर डाल देंगे, क्योंकि वहां पर चूहे वगैरह नहीं आएंगे ना, तो कल इसको सुखाना भी है, धूप निकलेगा तो सुखाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, वैसे नहाया नहीं हूँ, नहाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई लोग यार मैं उधर मतलब धान मिंजाई करके घर आ गया था, घर में आके सो गया था यार, पता नहीं चला, अभी उठा हूँ, जस्ट खाना वाना खा के टहलने के लिए आया हूँ। अभी आप लोग देख रहे हो पूरा रोड है, रोड का पट्टी दिख रहा है सफेद सफेद, और ये साइड में तालाब है। तो दोस्तों अभी मैं इधर जा रहा हूँ चेतन लोगों के पास मिलने के लिए, शायद उन लोग खाना वाना खा के निकले होंगे। तो दोस्तों आज तो ऐसी दिन गुजर गया यार, मतलब पूरा धान मिंजाई किए, पता नहीं चला टाइम का, और ऐसे टाइम काम करते करते टाइम पता नहीं चलता है, आप लोग भी समझ सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने भी काम किया है, तो काम करते करते टाइम का पता नहीं चलता। और इधर मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा, लाइट का फोकस पड़ रहा है चेहरे पे, आँख पे। तो दोस्तों अभी मतलब अपना जो काम है कंप्लीट करने के बाद अच्छे अच्छे लोकेशन में घूमने के लिए जाने का प्लान किए हैं। तो दोस्त लोग सभी लोग अपना अपना धान मिंजाई वगैरह करेंगे, अभी तो पूरा धान मिंजाई का है। तो भाई लोग आप लोगों ने देखा गांव में कैसे धान मिंजाई होता है, तो आप लोग छत्तीसगढ़ के भाई लोग हो तो जानते ही हो कैसे करते हैं उसको, पहले का दूसरा था, अभी का दूसरा है। तो भाई लोग मिलते हैं आगे चेतन लोगों के पास। हाँ, तो भाई लोग ये मिल गया है राहुल, और इधर है चेतन, जस्ट इन लोग खाना खा के यहाँ पर निकले हैं, और जस्ट पास लोग मन इधर के लोग खाना खा टहलने के लिए निकलते हैं। तो अभी आग जलाएंगे पास, तो आग सेकेंगे, आग का मजा लेंगे, क्योंकि ठंड के दिनों में आग सेकने का मजा ही कुछ है, कुछ और ही है। कैसे राहुल? बिल्कुल। कैसे चेतन? ठीक। तो जलाओ आग, सेकते हैं। हाँ, तो भाई लोग वहां से मैं अभी जस्ट घर आ गया हूँ, 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग तो ऐसे ही था यार, जैसे हम लोग धान मिंजाई किए तो ऐसे ही दिन बीत गया, पता नहीं चला। तो दोस्तों अब धान मिंजाई कंप्लीट होने के बाद अच्छे अच्छे लोकेशन में जाएंगे, वहां का व्यू आपको दिखाएंगे। तो हाँ, इस ब्लॉग का एंड यहीं करता हूँ यार, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए यार। तो मिलते हैं दोस्तों कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
दुकान है अंडा ऑमलेट मुर्गी ऑमलेट, अरे मुर्गी ऑमलेट का नहीं, मतलब ऑमलेट वगैरह बनाते हैं भाई लोग सभी लोग।